गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम टू टुडेज व्लॉग। आज है 18 जून। पहली बार इंट्रोडक्शन जो दिया मैंने, पहली बार सही बोला हूँ, वरना हमेशा अनदर की जगह अदर बोल देता हूँ। छोड़ो खैर, तो ये व्लॉग कल ही डालूंगा जहाँ तक है। तो भी 12 बज रहे हैं अभी, बस क्लास लेके निपटा हूँ, नहाया नहीं हूँ, ऐसे लेट के बैठ गया था क्योंकि उठा ही मैं कुछ 9 बजे था। 9 बजे क्लास थी आज, कभी दो ही क्लास लग रही है क्योंकि 12th के प्री बोर्ड में लगे हुए हैं सारे टीचर्स, तो या तो 9 बजे लगती है मैथ्स की, 9:45, उसके बाद दूसरी लगती है 10:30। इंग्लिश की तो बहुत टाइम से मैं ले नहीं रहा हूँ क्योंकि उसमें अब समझ ही नहीं आता, मन नहीं करता लेने का। मैथ्स ही रखते हैं, इंग्लिश तो क्या ही करूँगा, खुद ही कर लूँगा वो तो। बस अटेंडेंस लेने के बच्चे लेते ना, कुछ मतलब नहीं है उनको। तो अभी बैठा हूँ, अगर शायद थोड़ी बहुत आवाज़ आ रखी होगी तो AC की आ रखी होगी, तो उसको इग्नोर मार लेना। तो ये रहा सिम्बा को अंदर लेके बैठा हूँ, अब इसको अभी आ जाता है आराम से, वरना जब यहाँ पे टेबल फैन लगाते थे ताकि सब, जब पंखा भी खराब पड़ा था लॉकडाउन में और AC भी, तो यहाँ टेबल फैन लगता था, उसकी आवाज़ से डरता था, तो आना बंद हो गया था। तो अभी आराम से आ जाता है और यहाँ ही बैठ जाता है, आराम से बैठता है। लेकिन जब ये लेटता है ना नीचे, तो इसका ये वाला पैर, अगर लाइट कम है यहाँ, ये वाला पैर जो है इसका, ये लगता है थोड़ा टेढ़ा करके सोता है पैर, लेकिन सोता यहीं पे है। अभी भी ये हाफ रहा है, AC में अभी थोड़ी देर बैठेगा तो सही होगा, वरना ये हाफ से रहता सारे दिन, और पता नहीं अब क्या दिक्कत आ रही है अब। लेकिन ये पता चल गया, पहली बार गर्मी में संभाला मैंने किसी डॉगी को जो सीरियसली कर रहा है, तो गर्मी सबसे बेकार है इनके लिए, सर्दी से ही रहती है, सर्दी में भी बुखार का रहता है, ठंड वंड लगने का रहता है, लेकिन नहीं उसमें आराम से रह सकते हैं। गर्मी इनको सारे दिन परेशानी रहते हैं, गर्मी में ना खाता ना कुछ करता, दवस्ते खिलाना पड़ता है, अगर ज़्यादा भी खिला देंगे तो भी दिक्कत देता है। तो अभी मैंने वीडियो अपलोड करी थी तो मैं दिखाता हूँ आपको, ये वाली डाली थी अभी कि पढ़ते पढ़ते नींद आ गई, तो अभी तक की ये वाली मेरी सबसे अच्छी रही है। ये 10 डाली तो मेरी 19 वीडियो हो गई, लेकिन 19 में जो तो टॉप 10 में वीडियो रही है, ये फर्स्ट पे इस बार, अभी तक की सबसे बढ़िया ही है। तो क्योंकि अब 2 सब्सक्राइबर बढ़े थे, तो उसके जब तो मैं चैनल थोड़ा ग्रो हो गया था, लेकिन अब फिर से डाउन जा रहा है। तो व्यूज जो आते हैं, अगर आप कोई नया वीडियो देख रहा है तो आखिरी तक देखा करो, चाहे सब्सक्राइब मत करो लेकिन आखिरी तक देखो, बीच में छोड़ के जाओ। बहुत लोग छोड़ के चले जाते हैं क्लिक करते हैं, या तो अब मुझे उनका अच्छा नहीं लग रहा मेरा, तो आके बताओ क्या अच्छा नहीं लग रहा, तो मैं सही करूँगा। और कोशिश करो सब्सक्राइब भी कर दिया करो, वरना देखे तो पूरा करो, और मुझे कमेंट बता दिया करो कि क्या दिक्कत है क्या नहीं, तो मैं देखूंगा। क्योंकि मुझे पता नहीं चल रहा कि एक मैं डालता हूँ, अगर लोग पसंद नहीं आना वो कुछ कह नहीं, कोई देख ही नहीं रहा, जो देखते हैं वो भी मैं उसका वो कुछ ना कमेंट करते ना करते। तो शुरुआत में कमेंट कर दिया करो, लाइक कर दिया करो, और सब्सक्राइब जरूर करो जो भी नया आ रहा है, ताकि मुझे भी अच्छा लगे, मुझे बताओ कि मैं क्या सुधार करूं क्या ना करूं। तो वैसे कोई जल्दी से दिखाता नहीं है, ये जो मैं दिखा रहा हूं ये वाली मेरी वीडियो सबसे ऊपर रही है अभी तक की, सबसे ऊपर। मैं इसके बाद की दिखाता हूं, इसके बाद की मेरी कौन सी सबसे अच्छी रही थी, इसके बाद मेरी थी, मैं डाली थी इसमें, तो अभी एक घंटे में आए 193 व्यूज, उस पर आए थे 164 व्यूज, 164 व्यूज वाली मेरी टॉप पे थी अभी तक, लेकिन आज जब भी डाली तो एक दिन में ही मेरी टॉप पे आ गई। डिफरेंस भी बहुत है, बहुत डिफरेंस आ रहा है, 33 व्यूज का डिफरेंस है, 33 व्यूज का, और ये बहुत बड़ी है, सबसे ज्यादा अच्छी वीडियो बनी है मेरी अभी तक की। अब ये समझ नहीं आ रहा, इसके बाद मेरी वो थी अच्छी जिसमें मैंने क्लिक बेट मारा था, वो क्या कहते हैं बारिश वाला, तो उसमें ये था, जल्दी से कोई दिखाता ही नहीं है ये चीज जो मैंने आपको दिखाई है। और अगर कमेंट करना कि दिखाने सही रहती है नहीं रहती, क्योंकि मुझे पता नहीं मैं दिखा रहा हूँ आपको, तो बता दिया करो। सबसे बड़ी बात कमेंट लाइक करा करो वीडियोस को, व्यूज अगर एक बार देखने कोई नया भी आ रहा तो एक बार सब्सक्राइब करके देखो, अगर आपको अच्छा नहीं लगता फिर अनसब्सक्राइब कर देना, या मुझे बताना कि क्या सही है क्या नहीं। तो अभी कुछ है नहीं, अभी क्लास लेके निपटा हूँ, अभी पापा गए हुए हैं दुकान, तो मैं एक चीज दिखाता हूँ। तो आज ये
कल इस पे लाइट फोक ये दिक्कत। A few moments later. तो कल ये दुकान में नया आइटम आया था, ये पिलो ही है, नॉर्मल पिलो है, लेकिन ये बस अलग इस्तेमाल है क्योंकि ये सर्वाइकल पिलो है, तो ये बहुत जल्दी से मिलता नहीं दुकानों में, लेकिन ये हमने नया आइटम रखा है, सर्वाइकल पिलो कहते हैं इसको, जिसको सर्वाइकल की दिक्कत होती है। जो नॉर्मल पिलो होते हैं वो बहुत उठे हुए होते हैं, उठा हुआ ये भी है लेकिन ये बहुत पतला है, अगर जब आप इस पर अपनी नेक रखते हो तो ये मतलब लेवल में आ जाता है, ऐसा नहीं लगता कि हमने कुछ बहुत ऊंचा रख रखा है। अभी कोई है नहीं जो मेरे पास अभी नॉर्मल पड़ा हो, अभी कोई है नहीं जो मेरे पास नॉर्मल पड़ा हो, वरना मैं आपको दिखाता कि क्या फ़र्क है। हमें तो ऐसा लगता था एक ही है, लेकिन वहाँ पे जब हमने ट्राई किया था सैंपल का एक लेके, तो बहुत फ़र्क था, बहुत फ़र्क। ये बहुत लाइट भी है और थोड़ा हार्ड, जैसे वो वाले आते हैं जो फोम वाले होते हैं वो हार्ड से होते हैं थोड़े थोड़े, और उठे भी होते हैं, तो उनसे पता चलता है कि नेक पे कि हाँ कुछ लगा रखा बहुत ऊंचा ऊंचा, तो हमारा पॉस्चर ऐसे होके ऐसे होता है, लेकिन इसमें पॉस्चर नेक के हिसाब से अपने आप ही बैलेंस में हो जाता है, तो फर्क नहीं पड़ता, इसलिए इसको के सर्वाइकल पिलो कहते हैं। ये नई चीज आई है, अभी मैं इसको फर्श फर्श मार रखा है क्योंकि अगर बेड पे रख रहा हूँ तो लाइट रिफ्लेक्ट मार रही है, जो लाइन लाइन आ रही है वो आ रही है, अभी भी हल्की हल्की सी आ रही है, लेकिन अभी यहाँ नहीं आ रही, लेकिन यहाँ पे अंधेरा है, और ये तो बगल में ही कौन लेटा हुआ है, सिम्बा। अब एसी चल रहा है, एसी चल रहा है, इसमारे ठंडा हो रखा है, तो इसमारे अब आराम से लेटा। मैं आपको दिखाता हूँ, आपने देखा होगा एक ये छोटे वन में लगाया था हमने, एक ये बैंटेन लगा हुआ है, एक की साइड से डोरा है, डोरा के वो है ये, और एक वो स्पाइडरमैन, वो हमने वाइप, बहुत लोग जो भी कमरे में आता पूछता है यहाँ कैसे लगा दिया पंखे के नीचे और बिल्कुल बीच में बीच, तो ये हमने वाइपर से लगाया था। ये तब लगाया होगा तब मैं 5th 6th में हूँगा, आज अभी 11th में हूँ, तो बहुत टाइम हो गया उसको लगाए हुए, लेकिन बिल्कुल सही का सही है, और बैंटेन का भी बिल्कुल सही है। अब तो शायद से ऐसे स्टिकर्स आते भी नहीं है कि अब पता नहीं, अब तो ले भी नहीं है, तो अब ऐसी है, तो कमेंट्स भी बीच में कमेंट्स आने शुरू हो गए थे मेरी वीडियो पे, लेकिन अब लेकिन एक फ़ायदा ज़रूर हुआ है, मैंने पिछले साल लिया, इस साल लिया, मुझे ध्यान भी नहीं है, तो ये उसका है, ये मैं नाम भी भूल गया हूँ, ASUS TUF गेमिंग लैपटॉप का पार्ट है, तो ये मैंने इस साल ही लिया है, अभी जब मैं यूट्यूब नहीं डाल कर रहा था कुछ, तो बहुत फ़र्क पड़ा है मुझे इससे, बहुत मदद मिली, वरना अभी तक मेरा मोबाइल भर चुका होता। इसमें सबसे अच्छा फीचर मुझको ये लगा था, ये वाला चीज़, और इसमें ग्राफिक कार्ड डला हुआ है, तो ये मेरा पहले लैपटॉप है, इससे पहले कंप्यूटर था, वो कुछ खास नहीं था, उसमें दम ही नहीं था, हर उसकी नेट नहीं था सबसे बड़ी बात उसमें, तो अगर कुछ भी कहीं से भी किसी के कंप्यूटर में से पेन ड्राइव में गेम वेम कुछ भी ले आया तो उसमें उनके में वायरस होता, मेरे मोबाइल में वो कंप्यूटर में नेट नहीं था, तो उसके में कोई खेल भी डल सकता था, तो उससे सारा उसकी हर महीने विंडो क्रैश होती थी हर महीने, और उसका CPU पुराना ही था, तो उसमें इतना मेमोरी नहीं थी, तो हैंग ही रहता था, तो हमारे उससे अच्छा पैसे खर्च करने के चक्कर में मैंने उतने में ये ले लिया, क्योंकि अब ये मुझे पड़ गया था अप्रोक्स 50 के आसपास पड़ गया था, और अगर मैं अब की आज की डेट में CPU लेने जाता तो उसका माउस भी खराब हो रखा था, माउस तो पूरा था और कीबोर्ड हल्का था, कुछ टाइम और चल जाता, लेकिन अगर लेता तो पूरा लेता, अगर CPU लेने जाता तो 30-40 हज़ार से कम का कोई CPU नहीं आता, और उसमें मुझे कुछ वर्थ नहीं लगी, ना मैं उसको कहीं लेके जा सकता। इसको लैपटॉप का ये फ़ायदा है कि मैं उसको कहीं भी लेके जा सकता हूँ, तो अगर आपको चाहिए हो कि मैं इसके बारे में अनबॉक्सिंग क्या हो चुकी इसकी आफ्टर अनबॉक्सिंग दिखाऊँ और इसके फीचर्स वीचर्स के बारे में कुछ बताऊँ तो मुझे कमेंट करके बताना। तो ये थे मेरे यूट्यूब स्टैटिस्टिक्स, अगर आपको कुछ पता हो सही जा रहा हूँ या नहीं जा रहा तो कमेंट करके बताना, अगर आप चाहो तो मैं आपको अपनी स्टोरी में मेंशन भी कर दूंगा, शाउट आउट दे दूंगा, लेकिन अगर आपको पता हो कि क्या सही है क्या नहीं तो मुझे कमेंट करके बताना। तो मैं वीडियो ख़त्म करता हूँ, अगर आपको अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, और शेयर करो वीडियो को, और सबसे ज़्यादा कोई भी अगर देखने आता तो ज़रूर लाइक करके जाओ और सब्सक्राइब करो, और बीच में तो छोड़ो मत। तो अब मिलते हैं कल की वीडियो में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। Oh,